अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने की जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की मांग। बरेली। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन शर्मा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया और मांग की। सरकार त्रिभुवन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा, ज्ञापन इसलिए दिया है कि भारत की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे देश के संसाधन कम पड़ते जा रहे हैं। सरकार जो टैक्स पेयर है उन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाकर जनता का पेट भरने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार के पूरे जोर लगाने के बाद ना सबको भोजन मिल रहा है, ना सबके ऊपर छत है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण बिल लाकर कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि देश की आबादी रुके और देश के संसाधन जो तेज़ी से कम होते जा रहे हैं, देश की ज़मीन कम होती जा रही है, फैक्ट्रियाँ कम पड़ रही हैं, सड़कें कम पड़ रही हैं, रेल कम पड़ रही है, बस कम पड़ रही है, और देश गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं आ पा रहा है, कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात के, जात धर्म देखे हुए सब पर समान रूप से ये कानून लागू किया जाए, जिससे देश की जनता जनसंख्या पर नियंत्रण हो। विश्व में जो हमसे छोटे छोटे देश हैं, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, रूस, तमाम लोगों ने अपनी जनसंख्या नियंत्रित करके अपनी समस्याओं का निदान कर लिया है, लेकिन हम आबादी की समस्या से ही नहीं निपट पा रहे हैं, तो और समस्याओं से कैसे निपटेंगे। एनजी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।